हेलो दोस्तों, कैसे आप? मजे के सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट का फंडा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक IFB की वॉशिंग मशीन। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर एक स्पाइडर के ऊपर भी वॉशिंग मशीन की वीडियो बना दो कि कैसे स्पाइडर चेंज करना है। तो इस मशीन का मेरे सामने स्पाइडर ख़राब निकला, तो मेरे याद आया कि चलो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे काफ़ी कोई 1 घंटे की वीडियो डालता है स्पाइडर की, कोई आधे घंटे की डालता है। केवल छोटी सी है, जहाँ जहाँ जो काम मेन है केवल वही मैंने शॉर्ट लिए हुए हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ और किस तरीके से आपको स्पाइडर चेंज करना है। ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पत्थर है ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा टिंक आराम से बाहर आ सके। ठीक है, वेट ना हो। ठीक है, और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे आराम से। ये जो है आप नट खोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद सावधानी से पत्थर उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो मिलेंगी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवाशर, माइक्रोवेव, ठीक है दोस्तों, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ऊपर का पत्थर भी उतार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ये टैंक बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमारा टैंक बाहर निकल चुका है, नीचे के शॉकर उतार कर है और हमने ऊपर के शॉकर उतार करके टैंक को बाहर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने ये टैंक है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ये देखिए शॉकर हमने इसी के अंदर लगा दी, क्योंकि हम ड्रम जो है वो यहाँ से अलग साइड पर रख करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको अलग लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऊपर के जो कवर के हैं ये उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टैंक जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से बिल्कुल। तो चलिए फटाफट ये हम स्क्रू खोलते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है। ठीक है, किस तरह की आपको वीडियो चाहिए मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, डालने की कोशिश करूँगा अपने चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारे ये जो है आराम से सारे पेंच खुल गए हैं, और उसके बाद हमने क्या है ये देखिए टैंक हमारा दिख चुका है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो हमारा पुली का बोल्ट है वो खोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पुली बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा टैंक बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आसानी से ये खुल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको पुली को किसी चीज़ से चोट नहीं मारनी, आराम से हिला करके आपको निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद टैंक को बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना गंदा हुआ पड़ा है, और हमारा जो स्पाइडर है वो बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से ये गल गया। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ये जो स्पाइडर है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, जो पेंच होते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कंपनी से क्या रहते हैं सील रहते हैं और ये नहीं खुल पाते। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। आप ऐसे ही चाहे जितनी ताकत लगा लेना, ये खुलने वाले नहीं हैं। आप इनको जब भी खोलें तो हीट करके ही ऑक्सीजन की बत्ती की मदद से ठीक है ये निकल जाता है। ठीक है, और ये जो पेंच होते हैं ये भी बहुत मुश्किल मिलते हैं मार्केट में, तो इनको संभाल कर रखें। ठीक है, उसके बाद ये यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टील के होते हैं, ख़राब नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और ओरिजिनल पेंच होते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल रहे हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन टॉप लोड के ऊपर बनाई थी, और फ्रंट लोड के ऊपर स्पाइडर की जो वीडियो बनाई है आज पहली बार ही डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखें आप, अगर अच्छी तरीके से देख लेंगे तो बिल्कुल आप मुकम्मल तरीके से स्पाइडर चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा स्पाइडर निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टैंक है बहुत गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम काम कर रहे हैं तो फाइनल कस्टमर भी हमें अच्छे पैसे दे रहा है, तो उसका काम भी हमें अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या होता है, देख हमारे पास ये टैंक है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर आप इसको पानी से धोगे ये साफ़ नहीं होगा।
तो उसके लिए क्या है कि ये केमिकल है और केमिकल हम इसके ऊपर डालेंगे, तो हमारा जितना भी टैंक के ऊपर ये जो कचरा है वो सब बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से फूल चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम इसको ऐसे ही धोते तो ये साफ़ ना होता जेट पम्प की मदद से भी, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसको जेट पम्प की मदद से ही धोएंगे क्योंकि ये जो रहता है बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहता है, अगर कस्टमर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं कस्टमर को यही जानकारी देना चाहूँगा कि आप महीने से 2 महीने के अंदर डिस्केलिंग ज़रूर कर ले अपनी मशीन की, ठीक है। टब क्लीन का ऑप्शन आता है, ठीक है, और उसके अंदर एक डिस्केल का पाउच या 2 पाउच डाल करके, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल 1 पाउच डाल सकते हैं, अगर लोकल है तो आप 2 पाउच भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं वो या ऑनलाइन आते हैं तो वो लोकल ही आते हैं, सर्विस सेंटर से अगर आप लोगे तो वो ओरिजिनल मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है, जेट पम्प की मदद से, ताकि ये हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए, ठीक है दोस्तों। काम जो है वो हमारा बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा साफ़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर केमिकल ना डालते तो ये जमा रहता, साफ़ भी ना हो पाता। हमारा टैंक बिल्कुल साफ़ हो गया है, ठीक है, और जो ये उतर नहीं रहा है ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा क्योंकि हमने केमिकल डाल करके पहले ही देख चुके हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम स्पाइडर चेंज करेंगे, ठीक है, और स्पाइडर को कैसे चेंज करना है वो भी, कैसे लगाना है आपको वो भी देख लीजिए, ठीक है। सिंपली स्पाइडर आता है और इसको जो हमारी साफ होती है उसके हिसाब से इसका स्पाइडर आता है। जब भी आप नया स्पाइडर लेने जाएँ तो आप इसकी जो साफ होती है वो लेकर के जाएँ, इसी के हिसाब से आपको स्पाइडर मिल जाता है, क्योंकि स्पाइडर क्या होता है कि गल जाता है और साफ जो होती है वो हमारी बच जाती है, तो साफ के हिसाब से ही हमारा स्पाइडर मिलता है। और स्पाइडर को सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको ग्रीस लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। और जो साफ्ट है उसको भी क्या होता है कि जैसे हम स्पाइडर चेंज करते हैं तो इस नया स्पाइडर लेने जाते हैं तो साफ्ट पे भी जंग आई रहती है, तो उसको अच्छे से रेगमाल से साफ कर लेंगे। 1000 नंबर बिल्कुल बारीक होना चाहिए ताकि जंग जंग उतरे, ठीक है। और उसके बाद ग्रीस लगा करके हम सारे पेंच जो हैं वो टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों। और आने वाली वीडियो आपको किस तरह की चाहिए मुझे वो बता दीजिए, मैं वही आपके पास डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे पेंच लग चुके हैं और स्पाइडर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, उसके बाद हम टैंक में लगाएंगे। सील और बैरिंग वगैरह हमारे बिल्कुल जेन्युइन पड़े हैं, ठीक है, देखिए बिल्कुल साफ़ है, बैरिंग भी बिल्कुल नीचे से साफ़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रीस लगा लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद आपको टैंक को जो है वो लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से लगा करके आपको उल्टा करना है और हल्के से इसको प्रेस करना है, ठीक है। देख दबाओगे तो ये हमारी साफ्ट जो है पूरी बिल्कुल आ जाएगी और उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिर पुली लगा देनी है, ठीक है। इसको घुमा करके देख ले, बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं पर गैप तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड से शाफ्ट पूरी आती है, एक साइड से नहीं आती, ठीक है दोस्तों। ये हमारी बिल्कुल शाफ्ट अच्छी तरीके से आ चुकी है, अब मैं आपको पुली लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए पुली को अच्छे से दबाना है, और एक चीज़ का और ध्यान रहे कि एल्युमिनियम की सपरेटे की जो हमारी पुली होती है, अगर आप कोई बड़ी चीज़ मारोगे इस पर, थोड़ी मारोगे तो ये टूट भी जाता है, ठीक है। हल्की हल्की चोट मारनी है, हाँ, बुश के ऊपर आप मारोगे तो जो इसका गैप होता है वहाँ पे मार सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल्ट कस लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये बोल्ट बहुत अच्छे से टाइट करना है आपको, ठीक है। और टाइट करने के बाद फिर आपको मैं टैंक चला करके दिखाता हूँ कि हमारा ड्रम जो है वो कितने अच्छे से सेट हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको दोस्तों मशीन में भी लगा करके दिखाऊँगा इसको, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। देखिए कितने अच्छे से हमारा ड्रम लग चुका है और बिल्कुल एक अंगूठे से हमारा टैंक जो है वो घूम रहा है, यानी हमारा जो टैंक है वो बिल्कुल भी जाम नहीं है और हमारे जो ड्रम की सील वगैरह है वो बिल्कुल ओके है। बैरिंग वगैरह जो होती है कभी कभी क्या होता है कि अटकता है, तो वो बैरिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है, तो बैरिंग चेंज करने होते हैं। हमारे टैंक के जो है वो बिल्कुल बैरिंग ओके है। उसके बाद स्क्रू लगा लेने, अच्छे से टाइट करने दोस्तों, देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट करने के बाद आप इसको मशीन में लगाएं और फिर हम इसको चला करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे स्क्रू लग चुके हैं, बिल्कुल सेटिंग आपको जो है वो अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसको मशीन के अंदर लगाएंगे। दोस्तों मेरे साथ आज कोई नहीं है, इस वजह से मैं अकेला ही इसको लगा रहा हूँ, ठीक है।
जिस वजह से मैं जो मेन काम है वो मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो काम है पैंच वगैरह वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा टैंक लग चुका है, सिंपल जैसे लगता है, केवल शॉकर पर लगता है। नीचे शॉकर के अंदर आपको ग्रीस वगैरह लगा लेनी है, ठीक है, जिससे हमारी मशीन जो है बिल्कुल आवाज़ ना करें और सही तरीके से चले, वाइब्रेशन ना करें, ठीक है। अब मैं आपको मशीन भी देखिए, गैसकेट में कुछ मेरे भाई बहुत परेशान हो जाते हैं, गैसकेट नहीं लग पाती, सिंपल लग जाती है बिल्कुल। इस तरीके से आप गैसकेट लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। देखिए पहले एक साइड से लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप एक बड़ा पेंचकस लीजिए, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से बड़ा पेंचकस लीजिए और इसको दबा करके रखिए। दूसरी बात, आप एक छोटा पेंचकस ले लीजिए जिसकी मदद से आप इसकी जो ये तार है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से नीचे को दबाते जाइए। हमारी जो गैसकेट का जो लॉक है बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये जो गैसकेट होती है ये उतर जाएगी, और अगर गैसकेट उतरती है और मशीन चलती है तो आपकी मोटर जो है वो फूक जाएगी मशीन की, ठीक है। तो गैसकेट अच्छे तरीके से लगाए, मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको लगानी है। उसके बाद दोस्तों मशीन चालू करके दिखाते हैं। देखिए सारे पेंच बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं और चोकर वगैरह अब हमारी मशीन चालू हो गई है और पानी भी ले रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी मशीन जो है वो चालू हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अभी हमने क्या किया है कि इसके अंदर एक डीस्केल और डाल दे, जो जमा हुआ है थोड़ा बहुत वो भी साफ़ हो जाएगा, ताकि हमारी मशीन आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती रहे 5 से 7 साल। अब ये मशीन कहीं नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। देखिए कितने अच्छे से हमारी मशीन चल रही है और कहीं भी इसमें बिल्कुल भी प्लान नहीं है, ठीक है। और अभी मैं आपको इसको स्पिन पर भी चला करके अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, ताकि जो स्पीड आएगी स्पीड में भी आपको चला करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी मशीन चल रही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जाते जाते यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। और आने वाली वीडियो कैसी चाहिए आपको, किस चीज़ के ऊपर बनानी है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी मशीन कितने अच्छे तरीके से चल रही है, बिल्कुल स्पीड में, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बिना आवाज़ के ये चल रही है। नहीं तो नई मशीन जो होती है जैसे नया स्टार्टर लगा दो तो आवाज़ करती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।